देखिए मैं इस समय खड़ा हूँ, ये ग्राम है पिपरिया भूड़, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और जिस खेत में मैं इस समय देखिए अब खड़ा हूँ, ये COLK 14201 अर्ली गन्ना प्रजाति है जो इसमें लगाई गई है। फसल की स्थिति आप देख लीजिए स्क्रीन पे, बहुत जबरदस्त गन्ना है और ये शरद काल में बोया गया था 4 फीट की दूरी पे। और ये प्रगतिशील कृषक है मिस्टर चरण सिंह। शरदकालीन गन्ना कोलक 14201 कितना अच्छा हो सकता है, एक आदर्श स्थिति में है। तो अब मैं पूछूंगा, ये सर्किल इंचार्ज है गन्ना पर्यवेक्षक, क्योंकि कृषक इस समय उपस्थित नहीं है, तो ये बताइए दिनेश मौर्या जी, ये गन्ना पर्यवेक्षक हैं सर्किल इंचार्ज और इन्हीं की देखरेख में ये इतना अच्छा खेत हो पाया है इन्हीं के मार्गदर्शन में। तो ये दिनेश मौर्या जी बताइए, ये प्लांट कब लगाया गया था? ये अक्टूबर में लगाया गया था, 10 अक्टूबर के आसपास। 10 अक्टूबर को लगाया गया था। तो ये दूरी कितनी रखी? दूरी है 4 फीट लगभग। 4 फीट है। और ये जो गन्ना इन्होंने लगाया तो ये दूरी कितनी रही? 1.5 फीट। 1.5 फीट की, यानी जिगजैग में लगाया है। हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट पे हो जाएगी। तो इसमें जिगजैग फॉर्म में लगाया है कि एक साइड में जैसे उन्होंने उधर लगा दिया, फिर इधर लगा दिया और ये फिर इधर लगा दिया। और 1.5 फीट की दूरी आपको इस समय देख रहे हैं, इस समय लग रहा है कि ये कम है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। अब लग रहा है क्लोजअप में दिखाने, देखिए जबरदस्त टिलरिंग है। तो उस समय लग रहा था कि ये 1.5 फीट की दूरी ठीक है, लेकिन चूंकि शरदकालीन गन्ने में अब लग रहा है कि इसको 2 फीट पे ले जाना चाहिए। ये अब महसूस हो रहा है कि ये और अच्छा टिलरिंग करेगा, इसमें टिलरिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको 2 फीट पे ले जाना चाहिए था, पौध से पौध की दूरी ले जाना चाहिए भविष्य में। ऐसा हम अपने कृषकों से अनुरोध करेंगे, इसको देखें, गन्ना तो बहुत अच्छा है। जी जी। इसमें कोई सहफसल थी? सहफसल इसमें लाही थी। अच्छा, इसमें देखिए लाही भी थी सहफसल के रूप में, तो लाही के साथ भी गन्ना कितना अच्छा हो सकता है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अंतः फसल लेने से कोई उसकी उपज पे और टिलरिंग पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रमाण आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और बहुत जबरदस्त गन्ना है। देखिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कह सकता हूँ कि इसमें ये थोड़ा कमी है, कोई इसमें ना तो रोग है ना तो कीट है और बहुत ही स्वस्थ गन्ना है। तो मैं यही अच्छे अच्छे प्लाट कृषकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे अच्छे किसान हैं जो कि आदर्श स्थिति में प्लाटों का एक चयन करके देखिए कितनी अच्छी तरीके से उत्पादन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, एक अच्छा प्लाट दिखाने के लिए। अपना आदमी तो रखा है।